लेकर आ गई थी। विवान ने होटल जाना शुरू कर दिया था, पर उसके जाने के बाद अदिति एकदम बोर हो जाती थी। उसे यूं खाली घर बैठना बहुत अजीब लग रहा था। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। विवान के होटल जाने के बाद उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, इसलिए वो फिर से काम शुरू करने के बारे में सोच रही थी। पर उसे डर था कि विवान पता नहीं इस बात की परमिशन देगा या नहीं। हालांकि उसने जब जॉब छोड़ने के लिए कहा था तब वो प्रेग्नेंट थी, पर अब सिचुएशन अलग थी। उसने सोचा उसे एक बार तो विवान से इस बारे में बात करनी ही चाहिए। एक दिन सुबह वो दोनों नाश्ता कर रहे थे। विवान न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। अदिति ने नाश्ता खाते हुए कहा, विवान मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। विवान ने न्यूज़पेपर के ऊपर से उसकी ओर देखा और कहा, हाँ बोलो ना, क्या बात है? वो क्या है ना विवान, तुम्हारे होटल जाने के बाद मैं अकेले घर में बोर हो जाती हूँ। दिन भर कुछ करने के लिए होता ही नहीं। तो विवान ने न्यूज़पेपर साइड में रखा और बोला, तो क्या? अदिति हिचकिचाते हुए बोली, तो क्या मैं फिर से जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? अगर तुम हाँ कहो तो मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहती हूँ। विवान ने अपने हाथों की उंगलियों को आपस में गुंथा और उस पर अपना चेहरा रख दिया। वो बहुत प्यार से अदिति को देख रहा था और अदिति बेसब्री से उसके रिप्लाई का वेट कर रही थी। उसे ये किसी एग्जाम के रिजल्ट का वेट करने की तरह लग रहा था। उसे पता नहीं था कि अब विवान क्या बोलेगा। वो सोच रही थी कि शायद विवान उससे गुस्सा होगा और कहेगा कि उसे जॉब करने की क्या जरूरत है। पर विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अदिति तुम भी ना, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम कर सकती हो, उसमें मेरी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स योर लाइफ एंड यू आर एन इंडिपेंडेंट गर्ल, तो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं ये डिसीजन तुम खुद लो। अदिति ये सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने चहकते हुए कहा, थैंक यू विवान, थैंक यू सो मच। विवान अदिति को इतना खुश देखकर बहुत खुश था। वो बोला, एनीथिंग फॉर यू माय लव। अच्छा, अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो बता सकती हो। वैसे तुम कहां ज्वाइन करने का सोच रही हो? अदिति ने जवाब दिया, मैं पहले जहाँ जॉब करती थी वहीं पर फिर से ज्वाइन करना चाहती हूँ। वहाँ सब मुझे जानते हैं, सो आई थिंक इट बी इजी फॉर मी टू वर्क देयर। विवान ने सोचते हुए कहा, तुम तो नागपाल एंड एसोसिएट्स में जॉब करती थी ना? अदिति ये जानकर हैरान थी कि विवान को उस जगह का नाम भी याद है जहाँ वो जॉब करती थी। उसने कहा, मैं फिर से वहीं ज्वाइन करना चाहती हूँ। यू नो, जयसर बहुत अच्छे लॉयर हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब मैंने जॉब छोड़ा था तब वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे। अब पता नहीं फिर से मुझे जॉब देंगे या नहीं। वैसे उन्होंने कहा था कि अगर मैं फिर से उन्हें ज्वाइन करना चाहूँ तो आ सकती हूँ, पर फिर भी थोड़ा डर लग रहा है। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जयसर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों ने एक साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी और तब हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करूं तुम्हारे जॉब के लिए। अदिति ने कहा, नहीं अभी इसकी जरूरत नहीं है, पहले मैं खुद जाकर उनसे बात करती हूँ। अगर मुझे जरूरत लगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। विवान बोला, ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा, पर अगर किसी भी समय मेरी जरूरत हो तो तुरंत मुझे बताना, ठीक है? अदिति ने हंसते हुए कहा, श्योर। अच्छा, मैं आज ही वहां जाकर बात करना चाहती हूँ ताकि जल्द से जल्द मैं अपना काम शुरू कर सकूं। विवान उसका एक्साइटमेंट देखकर खुश हो रहा था। उसने कहा, ठीक है तुम तैयार हो जाओ, मैं होटल जाते हुए तुम्हें छोड़ दूंगा, तब तक मैं भी तैयार हो जाता हूँ। अदिति बहुत खुश होकर बोली, ठीक है मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर वो अपने रूम की तरफ चल दी। विवान कुछ सेकंड्स वहीं खड़ा रहा और अदिति को जाते हुए देखने लगा। आज कितने दिनों बाद उसने अदिति के चेहरे पर इतनी खुशी देखी थी। उसे ये देखकर बहुत सुकून महसूस हो रहा था। जब अदिति अपने कमरे की ओर मुड़ गई तो उसने गहरी सांस ली और अपने कमरे की ओर चल दिया। अंदर पहुंचकर उसने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और उन्हें बेड पर रखा। फिर वो अपनी पहनी हुई टी-शर्ट के बटन खोलने लगा।
उसने अपनी शर्ट खोली ही थी कि तभी उसके रूम का डोर खुला। वो थोड़ा चौंक गया। उसने देखा अदिति डोर खोलकर अंदर आ गई थी। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। तभी अदिति का ध्यान इस ओर गया कि विवान ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। वो जल्दी से पलट गई। विवान ने जल्दी से अपनी शर्ट वापस पहन ली। अदिति थोड़ा एम्बैरस होकर बोली, सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैं तो बस तुम्हें थैंक यू बोलने आई थी। विवान उसके पीछे बिल्कुल करीब उसके आ गया था। फिर उसने उसके कानों में धीरे से कहा, हाँ तो कहो ना। अदिति ये सुनकर एक झटके से पलटी और विवान के और भी करीब आ गई। विवान ने उसे कमर से पकड़ लिया था और फिर अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले जाता हुआ बोला, तो तुम मुझे थैंक्स बोलने वाली थी ना, बोलो ना। इस सिचुएशन में अदिति की तो बोलती ही बंद हो गई थी। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और धीरे से बोली, विवान छोड़ो मुझे, हमें लेट हो जाएगा। विवान उसके और भी करीब आ गया था और बोला, तो हो जाने दो, तुम्हारा थैंक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कम ऑन, बोलो ना। अदिति शर्मा गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने होंठ विवान के होंठों से टच किए और जल्दी से उन्हें अलग भी कर लिया। फिर हंसते हुए बोली, थैंक यू सो मच विवान। विवान ने उसे पूरी ताकत से खुद के करीब खींचा और बोला, अरे ये तो बहुत छोटा सा थैंक यू था, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक से बोलो। अदिति ने उसे धक्का देकर खुद से अलग किया और हंसते हुए बोली, तुम ना बिल्कुल पागल हो, चलो अब तैयार हो जाओ, मैं भी जल्दी से रेडी होती हूँ। इतना कहकर वो जाने लगी। विवान ने उसका हाथ पकड़कर रोका और बोला, अच्छा मेरे एक हेल्प तो कर दो। अदिति उसके पास आते हुए बोली, कैसी हेल्प? विवान ने अपनी शर्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, वो मेरी शर्ट के बटन नहीं लग रहे थे, तो क्या तुम लगा दोगी? इतना कहकर वो जोर से हंस दिया। अदिति को याद आया कि जब विवान को चोट लगी थी और वो उसे कपड़े पहना रही थी, तब उसने गलती से शर्ट के बटन गलत लगा दिए थे। विवान उसी बात का मजाक उड़ा रहा था। अदिति ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, हाउ मीन विवान, जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करनी। विवान ने उसे अपनी ओर खींचा और बहुत प्यार से बोला, ऐसा कभी मत करना वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। अदिति ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और बोली, आई लव यू विवान। विवान ने उसके सर से सर टिकाते हुए कहा, आई लव यू टू। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए। कुछ मिनट बाद वो दोनों अलग हुए। अदिति ने अपने चेहरे पर आई बालों की लटों को पीछे करते हुए कहा, मैं जाकर तैयार होती हूँ। इतना कहकर वो चली गई। विवान अभी भी उसकी सांसों की खुशबू महसूस कर पा रहा था। आखिर उसने अपने अंदर उमड़ रहे इमोशंस को कंट्रोल किया और तैयार होने लगा। अदिति अपने कमरे में अपनी वार्डरोब खोलकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अभी भी एक प्यारी सी स्माइल थी। वो फिजिकली तो अपने कमरे में थी, पर मेंटली अभी भी विवान के पास ही थी। वो हमेशा के लिए विवान की बाहों में रहना चाहती थी। उसने अपने थॉट्स को बहुत मुश्किल से समेटा और अपना ध्यान अपने कपड़ों पर लगा दिया। वो अपने कपड़े सेलेक्ट करने लगी। घर में रहते हुए उसका अधिकतर वक्त टी-शर्ट और लोअर में ही निकलता था। उसके बाकी के कपड़े बस यूं ही रखे हुए थे। कुछ देर कपड़ों को यूं ही घूरने के बाद उसने एक पर्पल कलर का शॉर्ट कुर्ता और जींस निकाली और उसे पहनकर तैयार होने लगी। आज बहुत दिनों के बाद वो कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए थोड़ी कॉन्शियस हो रही थी। वो अपने बालों में कॉम कर रही थी, तभी उसका फोन बजने लगा। अदिति को इस समय जाने की जल्दी थी और वो इसके लिए थोड़ी घबराई हुई भी थी। आखिर इतने महीनों के बाद वो फिर से जॉब पर जाने वाली थी। वो खुद को इसके लिए मेंटली भी तैयार कर रही थी। इस समय ये फोन कॉल उसे डिस्टर्ब कर रहा था। उसे चिढ़ आ रही थी कि इस समय उसे कौन डिस्टर्ब कर रहा है। एक बार रिंग पूरी बजकर अपने आप बंद हो गई। अदिति खुश थी कि चलो कॉल खुद ही कट गया, पर रिंग फिर से बजने लगी। अदिति चिढ़ते हुए बेड पर रखे अपने फोन की ओर बढ़ी और उसने चिढ़ते हुए फोन उठाकर देखा। स्क्रीन पर रॉकी का नाम फ्लैश हो रहा था। अदिति बहुत हैरान हो गई।
आज पता नहीं कितने दिनों के बाद रॉकी का कॉल आया था। अदिति को तो याद भी नहीं था कि उसने लास्ट टाइम रॉकी से कब बात की थी। वैसे भी जब भी उससे बात होती थी तब कॉल रॉकी ही करता था। अदिति ने कभी भी आगे से उसे ना तो कॉल किया और ना ही मैसेज। राफी की शादी के पहले तक हर रोज उसका मैसेज आता था और हर एक दो दिन में कॉल भी, पर रावी की शादी के बाद मुश्किल से एक या दो बार ही उसने मैसेज किया होगा और उसके बाद तो वो भी बंद हो गया था। अदिति ने भी कभी कोशिश नहीं की ये पता करने की कि उसका मैसेज क्यों नहीं आ रहा। एक्चुअली बीते कुछ दिनों में उसकी लाइफ में इतना कुछ हो गया था कि उसे रॉकी का ख्याल ही नहीं आया। आज उसका कॉल देखकर उसे लग रहा था कि उससे थोड़ी गलती हो गई थी। उसे कम से कम एक आध बार तो मैसेज करना चाहिए था। उसे खुद पर थोड़ी शर्म भी आ रही थी। उसने फोन उठाकर धीरे से कहा, हेलो, हाय रॉकी, हाउ आर यू? आज कितने दिनों के बाद तुमने कॉल किया, सब ठीक है ना? रॉकी थोड़ा सा गुस्से से बोला, वाह, ये तुम बोल रही हो? इतने दिनों के बाद ही सही मैंने कॉल तो किया, पर तुम तो जैसे मुझे भूल ही गई हो। मुझे तो लगा था कि कहीं तुम मुझसे ये ना पूछो कि मैं हूँ कौन। अदिति ने हंसते हुए कहा, क्या कुछ भी बोल रही हो यार, ऐसा कभी हो सकता है क्या? रॉकी ने तेज आवाज में कहा, तो और क्या, रावी की शादी क्या हो गई? तुमने तो मुझसे भी दोस्ती तोड़ दी। एक कॉल अदिति, तुमसे एक कॉल भी नहीं हुआ, या कम से कम एक मैसेज ही कर देती, पर तुम तो ना जाने कौन सी दुनिया में चली गई थी। अदिति ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है यार, बस काम में थोड़ा बिजी हो गई थी, इस वजह से बात नहीं कर पाई। रॉकी ने गुस्से में कहा, बिजी हो गई थी, इसका क्या मतलब अदिति? क्या तुम्हें पूरे महीने में एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी नहीं मिला कि तुम मुझे एक मैसेज भेज सको? ऐसा कौन सा काम कर रही थी तुम? हाँ, मैंने भी तुम्हें इसलिए कॉल नहीं किया कि मैं देखना चाहता था कि तुम्हें मेरी याद आती है या नहीं, पर तुम तो मुझे भूल ही गई हो। मुझे तो इस बात की खुशी है कि कम से कम तुमने मुझे पहचान तो लिया, वरना मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ता। अदिति हंसते हुए बोली, बस भी कर यार, तुझे कोई भूल सकता है क्या? मैंने कहा ना, काम कुछ ज्यादा हो गया था, बस इसी वजह से तुझसे बात नहीं कर पाई। अच्छा चल, मैं अपने कान पकड़कर तुझे सॉरी बोलती हूँ, बस आई एम वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। रॉकी हंसते हुए बोला, अरे चल ठीक है, अब तो अपने कानों को इतनी तकलीफ दे रही है तो जा, माफ किया। वैसे मेरा गुस्सा अभी कम नहीं हुआ है? अदिति ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तेरा गुस्सा कैसे खत्म होगा? रॉकी ने जवाब दिया, तुझे मुझसे मिलना होगा, तू यही इंदौर में है ना? अदिति बोली, हाँ मैं इंदौर में ही हूँ। रॉकी की खुशी से भरी आवाज आई, ग्रेट, तो फिर हम आज मिल रहे हैं और मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता हूँ। देख, मैं कल हमेशा के लिए अपने घर जा रहा हूँ, इसके बाद कब हम मिल पाएंगे पता नहीं, इसलिए क्या आज तू मुझे मिलने आएगी? प्लीज अदिति, मना मत कर यार। सच तो ये था कि अदिति उसे मना ही करने वाली थी, पर उसकी रिक्वेस्ट भरी आवाज सुनकर वो उसे मना नहीं कर पा रही थी। वो जानती थी कि अगर उसने रॉकी को मना किया तो उसे बुरा लगेगा। वो रॉकी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है बता कब और कहाँ मिलना है? रॉकी बोला, प्लीज तू ही डिसाइड कर, जो भी जगह तेरे लिए कन्वीनियंट हो वो मुझे बता देना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चल मिलते हैं, बाय। रॉकी ने बाय बोलकर कॉल कट कर दिया। अदिति जल्दी से तैयार हुई और अपने रूम से बाहर आ गई। विवान हॉल में बैठा उसका वेट कर रहा था। अदिति अपने कंधे पर अपना वही छोले टाइप बैग टांगे हुए थी। विवान ने जब उसे देखा तो वो मुस्कुरा दिया। अदिति इस बात से थोड़ी कॉन्शियस हो गई। उसने एक नजर खुद को देखा और फिर बोली, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो, मैं छीन लग रही हूँ क्या? इसके बाद वो विवान के रिप्लाई का वेट किए बिना बोली, मुझे लगा ही था कुछ तो गड़बड़ है, रुको मैं कुछ और पहन कर आती हूँ। इतना कहकर वो अपने रूम की ओर जाने लगी। विवान जल्दी से उसके पास आया और उसे रोकते हुए बोला, अरे रुको, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अदिति ने हैरानी से कहा, फिर तुम हंसे क्यों थे? विवान ने हंसते हुए कहा, वो मुझे तुम्हें से देखकर अपनी पहली मुलाकात याद आ गई, तुम उस दिन भी बिल्कुल ऐसी ही लग रही थी। अदिति ने चौंकते हुए कहा, अरे वाह, तुम्हें याद है मैं कैसे दिख रही थी? मुझे तो लगा था तुमने मेरी और देखा भी नहीं था। विवान उसके पीछे गया और उसे पीछे से पकड़ते हुए बोला,
मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत गौर से देखा था, पर वो क्या है ना, तब तुम्हें कुछ बोल नहीं सकता था। पर तुम उस दिन भी उतनी ही प्यारी लग रही थी जितनी आज लग रही हो। इतना बोलकर उसने उसके गाल पर किस कर दिया। अदिति ने मुस्कुराते हुए खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया और बोली, अब चलो भी, चलना नहीं है क्या? विवान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यहीं रुक जाना, क्या करेंगे चलकर? चलो ना विवान, वरना हम लेट हो जाएंगे। वो दोनों हंसते हुए घर के बाहर आ गए, फिर दोनों कार में बैठकर वहां से निकल गए। विवान कार ड्राइव कर रहा था। आज कितने दिनों के बाद वो दोनों इस तरह कार से कहीं बाहर निकले थे। अदिति विवान को बताना चाहती थी कि रॉकी का कॉल आया था, पर वो जानती थी कि रॉकी का नाम सुनकर विवान डिस्टर्ब हो जाएगा। पर इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। उसे पता था कि विवान रॉकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, पर उसे बताना तो था ही। वो उससे छुपा कर कोई भी काम नहीं करना चाहती थी, पर वो डर रही थी कि उसे कैसे बताए, कहीं वो नाराज हो गया तो। पर फिर भी उसे बोलना ही था, इसलिए उसने थोड़ी हिम्मत की और धीरे से कहा, विवान, अभी कुछ देर पहले रॉकी का कॉल आया था। रॉकी ने अदिति को मिलने के लिए बुलाया था। अदिति ये बात विवान को बताना चाहती थी, पर उसे डर लग रहा था क्योंकि वो जानती थी कि विवान रॉकी को पसंद नहीं करता है। इसलिए उसे डर था कि ये जानकर पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। उसने डरते हुए कहा, विवान, आज रॉकी का कॉल आया था। इतना कहकर वो विवान के रिप्लाई का वेट करने लगी। उसे लगा था कि विवान सीरियस हो जाएगा या थोड़ा गुस्सा हो जाएगा, पर वो ये देखकर हैरान हो गई कि वो तो मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, उसने बहुत दिनों के बाद कॉल किया, वो ठीक तो है ना? कहाँ है आजकल, क्या कर रहा है? अदिति उसे हैरानी से देख रही थी। उसने कहा, तुमने ठीक से सुना ना कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा रॉकी का कॉल आया था। विवान ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर रोड की ओर देखते हुए बोला, हाँ बाबा, मैंने सुन लिया, मैं भी रॉकी के बारे में ही पूछ रहा हूँ। अदिति ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, आज तुम मुझसे चिढ़ नहीं रहे, वैसे तो तुम मुझसे बड़े गुस्से में रहते हो। अरे, तुम्हें तो मेरा उससे बात करना भी पसंद नहीं था, उसका नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगता था, और आज तुम उसके हालचाल पूछ रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। विवान ने हंसते हुए कहा, तुम सही बोल रही हो, मैं सच में उससे बहुत ज्यादा चिढ़ता था। सच कहूं तो मुझे उससे जलन होती थी, पर मैं उस पर जिस बात के लिए नाराज था वो बात ही अब खत्म हो गई। मुझे लगता था कि वो मेरी अदिति को मुझसे दूर ले जाएगा। जब भी तुम्हें उसके साथ देखता था तो मेरे दिल पर जैसे हजारों छुरियां चल जाती थी। मन करता था कि उसका मुंह तोड़ दूं। और तुम भी तो हर समय बेस्ट फ्रेंड बोल बोल कर उसके साथ लगी रहती थी, इसलिए मुझे और भी ज्यादा चिढ़ जाती थी। पर अब बात कुछ और है, अब जबकि तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो, तो मुझे उससे किसी भी बात का गुस्सा नहीं है। अदिति इस बात पर हंसती और फिर बोली, वैसे वो अभी भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। विवान ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसे देखा और फिर रोड की ओर देखते हुए बोला, तुम मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो? अदिति उसे छेड़ते हुए बोली, तुम जल रहे हो, वैसे वो इतना बुरा भी नहीं है ना, क्या कहते हो? विवान ने एक साइड में कार रोकी और बोला, हेलो, क्या इरादा है, कहीं तुम मुझे छोड़कर उस रॉकी के पास जाने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? अदिति ने चढ़ते हुए कहा, ओफो, क्या तुम भी विवान मजाक भी नहीं समझते हो, मैं तुम्हें कभी छोड़ सकती हूँ क्या? रॉकी मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और रहेगा, समझे? बस इसके आगे हम दोनों के बीच और कोई भी रिलेशन नहीं है। विवान ने बहुत प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और हमारे बीच? अदिति ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमारे बीच प्यार है,
बहुत सारा प्यार, कभी खत्म ना होने वाला प्यार। तुम मेरी जिंदगी हो विवान, मेरा प्यार हो, सबसे ज्यादा स्पेशल हो। तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं ले सकता। विवान ने उसके हाथों पर किस करते हुए कहा, आई लव यू। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू टू। अच्छा चलो वरना लेट हो जाएगा। विवान फिर से कार ड्राइव करने लगा। थोड़ा आगे बढ़कर उसने पूछा, अच्छा रॉकी ने कॉल क्यों किया था? ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं, कोई खास बात थी क्या? अदिति ने कहा, हाँ वो आज उसने मुझे मिलने बुलाया है। वो कल हमेशा के लिए इंदौर छोड़कर जा रहा है, तो चाहता है कि हम लोग लास्ट टाइम मिल ले, फिर इसके बाद पता नहीं कब मिलना होगा, या होगा भी या नहीं ये भी पता नहीं। तो क्या मैं जाऊं? विवान ने कहा, आदिति मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हर बात के लिए तुम्हें मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम जिससे चाहो उससे मिल सकती हो, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। अदिति ने कहा, बात परमिशन की नहीं है विवान, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे तुम हर्ट हो जाओ। मुझे लगा था कि शायद तुम्हें मेरा रॉकी से मिलना पसंद ना आए, इसलिए पूछ रही थी। विवान ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है अदिति, मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग कब और कहां मिल रहे हो? अदिति ने सोचते हुए कहा, रॉकी बोल रहा था कि मैं कोई प्लेस डिसाइड करके उसे बता दूं। मैं पहले जैसर के यहाँ जाने वाली हूँ, तो सोच रही थी वहीं कहीं आसपास का कोई वेन्यू उसे बता दूं। विवान ने कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करती, उसे होटल पैराडाइज बुला लो और तुम भी वहाँ आ जाना। वहाँ आराम से तुम लोग अपनी मीटिंग कर लेना, और जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तब हम साथ में घर आ जाएंगे। अदिति को भी ये ठीक लग रहा था, उसने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं अभी उसे मैसेज कर देती हूँ। अदिति ने अपने बैग में से अपना मोबाइल निकाला और रॉकी को तुरंत मैसेज कर दिया, वी विल मीट एट होटल पैराडाइज शाम 4 बजे। फिर विवान ने अदिति को नागपाल एंड एसोसिएट्स के ऑफिस छोड़ दिया और वो खुद होटल पैराडाइज के लिए निकल गया। अदिति जैसे ही ऑफिस में पहुंची तो वहां सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। सबसे पहले अंकिता उठकर उसके पास आई और बोली, अदिति व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कितना अच्छा लग रहा है तुझे देखकर, कैसी है तू? अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तू कैसी है और तेरी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अंकिता ने कहा, सब अच्छा चल रहा है, पर हम सब तुझे बहुत मिस करते हैं यार, और तू कहाँ काम कर रही है आजकल, प्रैक्टिस कर रही है या कुछ और? अदिति ने जवाब दिया, नहीं यार मैं जॉब नहीं कर रही थी, एग्जाम्स के बाद घर चली गई थी और इतने दिन वही थी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, बस अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ लौटी हूँ। मैं फिर से जॉब ज्वाइन करने का सोच रही थी, इसलिए सर से मिलने आई हूँ। अच्छा चल मैं सर से मिलकर आती हूँ, फिर तुझसे मिलती हूँ। अंकिता ने चहकते हुए कहा, वाह अदिति कितना अच्छा हुआ जो तुम वापस आ गई, अब फिर से बहुत मजा आएगा, चल तू बात करके आ, फिर हम मिलते हैं। अदिति अपने बॉस जय नागपाल से मिलने के लिए उनके केबिन में चली गई। मिस्टर नागपाल भी अदिति को देखकर बहुत खुश हुए, उन्हें अदिति की एफिशिएंसी पर हमेशा से भरोसा था। जब वो ये जॉब छोड़कर गई थी तब भी उन्होंने कहा था कि वो जब चाहे यहाँ वापस आ सकती है, पर अब जब वो यहाँ वापस ज्वाइन करना चाहती थी तो उन्होंने खुशी खुशी अदिति को फिर से ज्वाइन करने की परमिशन दे दी थी। अदिति इस बात से बहुत खुश थी, अब वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करने वाली थी, ये सोचकर ही वो बहुत एक्साइटेड थी। अदिति ऑफिस में अपनी मीटिंग खत्म करके होटल पैराडाइज के लिए निकल गई। वो कैब में थी तभी उसे रॉकी का कॉल आया, उसने कॉल पिक किया तो रॉकी बोला, अदिति मैं होटल पैराडाइज पहुंच चुका हूँ, तुम कहाँ हो? अदिति ने कहा, मैं भी बस 5 मिनट में पहुंचने वाली हूँ, तुम बाहर ही मेरा वेट करो। रॉकी ने ओके बोलकर कॉल कट कर दिया। कुछ देर के बाद अदिति होटल पैराडाइज पहुंची, कैब से उतरकर उसने देखा रॉकी बाहर गेट पर खड़ा उसका वेट कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंची और बोली, हाय हैंसम, क्या बात है, तू तो बहुत अच्छा लगने लगा है। रॉकी ने आगे बढ़कर अदिति को हग किया और फिर अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, हाय यार, चलो जाने के वक्त ही सही मैडम को कम से कम मैं हैंडसम तो लगा, वरना मुझे तो लगा था कि आपका ध्यान मेरी तरफ कभी जाता ही नहीं है, क्या फायदा इतना हैंडसम होने का जब कोई आपकी तरफ ठीक से देखे भी नहीं।
अदिति ने उसे मारते हुए कहा। तू कभी नहीं सुधर सकता ना, और वैसे भी इतना चढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने तो मजाक में तुझे हैंडसम बोल दिया था, वरना तू और हैंडसम, व्हाट अ जोक। इतना कहकर अदिति हंसने लगी। रॉकी ने उदासी भरा चेहरा बनाते हुए कहा, हाउ मीन यार अदिति, कम से कम थोड़ी देर के लिए तो खुश रहने देती। फिर वो दोनों हंसने लगी और अंदर की ओर चल दिए। अंदर जाते हुए दोनों बातें कर रहे थे। रॉकी ने उससे पूछा, तू कहाँ है आजकल, क्या कर रही है? अदिति ने जवाब दिया, मैं अपने घर गई थी यार, अभी कुछ दिन पहले ही लौटी हूँ, और मैंने फिर से नागपाल एंड एसोसिएट्स को ज्वाइन कर लिया है। रॉकी ने कहा, अच्छा मतलब तूने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है? अदिति ने हाँ कहा। तब तक वो दोनों पार्किंग से होटल के गेट तक पहुँच चुके थे। होटल के गेट पर खड़े दरबान ने उनके लिए गेट खोला। अंदर जाने के बाद वो सीधे रेस्टोरेंट की ओर मुड़ गए। अदिति होटल के इस हिस्से में पहली बार आ रही थी। अभी तक उसने सिर्फ रूम नंबर 605 और विवान का ऑफिस ही देखा था। रिसेप्शन के साइट में रेस्टोरेंट की ओर इशारा करता हुआ एरो बना हुआ था। वो दोनों उस ओर चल दिए। एक छोटे से कॉरिडोर के एंड में एक बड़ा सा ग्लास डोर था जिसके अंदर रेस्टोरेंट था। अदिति और रॉकी उस डोर से अंदर गए और खड़े होकर बैठने के लिए प्लेस देखने लगे। तभी होटल की यूनिफॉर्म पहने हुए एक आदमी उनके पास आया और बोला, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? रॉकी उसे कुछ जवाब देता, उससे पहले ही एक और आदमी उनके पास आया और बोला, मैम आपकी सीट रिजर्व्ड है, प्लीज मेरे साथ आइए। रॉकी और अदिति दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। फिर वो उस आदमी के पीछे चलने लगे। रॉकी को लग रहा था कि शायद ये रिजर्वेशन अदिति ने करवाया है, इसलिए वो चुपचाप चल रहा था, जबकि अदिति हैरान थी। वो उस आदमी को पहचान गई थी। ये विवान का मैनेजर था जो उस दिन घर पर आया था। अदिति सोच रही थी, इसने शायद मुझे पहचान लिया है और विवान के दोस्त समझकर ये हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है। या शायद विवान ने उसे बता दिया होगा कि मैं आने वाली हूँ। शायद ये बुकिंग भी विवान ने ही की होगी। पर क्यों, ये लड़का भी ना सच में बहुत अजीब है। अगर रॉकी ने इस बारे में कुछ पूछा तो मैं उसे क्या कहूंगी कि मुझे यहाँ पर ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? वो ये सब सोच ही रही थी कि मैनेजर ने उन्हें एक टेबल पर जाकर बैठने के लिए कहा। ये टेबल एक बड़े से लाउंज के कॉर्नर में था। इसके साइड में एक बड़ा सा ग्लास लगा था जिसके बाहर बहुत सुंदर गार्डन बना हुआ था। अदिति और रॉकी वहीं बैठ गई और मैनेजर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रॉकी ने अदिति से कहा, आज इतने दिनों बाद तुझसे मिल रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है यार। अदिति ने हंसते हुए कहा, सही में मुझे तो रावी की भी याद आ रही है, अगर वो भी यहाँ होती तो और भी मजा आता। रुक मैं उसे अभी वीडियो कॉल करती हूँ, वर्चुअली ही सही, वो हमारे साथ तो रहेगी। रॉकी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ लगा, वैसे भी उसके बिना ये रीयूनियन अधूरा है। अदिति ने रावी को वीडियो कॉल लगाया पर रावी ने कॉल पिक नहीं किया। अदिति ने अपना मोबाइल रखते हुए कहा, पता नहीं कहाँ बिजी है ये लड़की। इतना कहकर उसने रॉकी की तरफ देखा जो उसे एकटक देख रहा था। अदिति को अपनी ओर देखते हुए वो थोड़ा सक पका गया और बोला, छोड़ ना, वो तेरा कॉल देखेगी तो खुद ही कॉल बैक करेगी। अच्छा ये बता कि तू तो अभी प्रैक्टिस नहीं करने वाली थी ना, तूने तो कहा था कि तू कुछ समय बाद प्रैक्टिस शुरू करेगी। अदिति ने थोड़ी सीरियस आवाज में कहा, हाँ यार कहा तो था, पर तू तो जानता है ना जिंदगी हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती है और मेरी लाइफ तो बिल्कुल ही अनसर्टेन है। चल मेरी छोड़, तू अपनी बता, तू घर जा रहा है तो अब अपने पापा के साथ प्रैक्टिस शुरू करेगा? रॉकी कोई जवाब देता उसके पहले एक वेटर उनके लिए ड्रिंक लेकर आ गया। रॉकी ने हैरानी से कहा, हमने तो अभी तक कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है, फिर ये ड्रिंक? वेटर बोला, सर ये कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक है। रॉकी ने कहा, ओह अच्छा ठीक है। वेटर ड्रिंक रख कर चला गया। रॉकी ने ड्रिंक पीते हुए कहा, पापा की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है और उन्हें वहाँ मेरी हेल्प की जरूरत है, इसलिए वो मुझे बुला रहे हैं। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। रॉकी बोला, अदिति अगर तुझे इंदौर में रहने का कोई स्पेशल कारण ना हो तो तू भी मेरे साथ चलना, देख तू वहाँ भी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकती है, हम साथ में ही काम करेंगे। अदिति ने हंसते हुए कहा, क्या तू भी रॉकी, ये सब इतना आसान नहीं है, मैं तेरे साथ कैसे चल सकती हूँ? रॉकी ने इंसिस्ट करते हुए कहा, क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है, जैसे तू यहाँ रह रही है वैसे ही वहां भी रह सकती है। अदिति ने उसे समझाते हुए कहा,
रॉकी, समझने की कोशिश कर यार, मैं नहीं चल सकती। उसकी बात सुनकर रॉकी थोड़ा सीरियस हो गया। उसने एक गहरी सांस भरी और बोला, अच्छा अदिति, मैं तुझसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं बहुत टाइम से तुझसे ये बात करने की सोच रहा था, पर कभी हिम्मत नहीं हो पाई। हमेशा सोचता था कि मेरी बात सुनकर पता नहीं तू कैसे रिएक्ट करेगी, कहीं तुझे बुरा लग गया तो, या तूने ये दोस्ती तोड़ दी तो। इसी डर से मैं तुझसे ये कभी कह नहीं पाया। अदिति ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, तू ऐसी क्या बात करने वाला है जिसे सुनकर मैं तुझसे दोस्ती तोड़ लूंगी? रॉकी के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो अपनी बात कहने के लिए बहुत हिम्मत जुटा रहा है। उसने कहा, वो अदिति, बात ये है कि मैं। उसने इतना कहा ही था कि अदिति का फोन बजने लगा। अदिति ने देखा रावी ने उसे वीडियो कॉल किया था। अदिति ने मुस्कुराते हुए कॉल पिक कर लिया और बोली, हाय रावी, कैसी है तू? रावी चहकते हुए बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान, तू बता तू कैसी है? तेरी तबीयत अब ठीक है ना? होगी क्यों नहीं, विवान तेरा इतना ध्यान जो रखता है। अच्छा ये बता कि तू है कहाँ? ये जगह तेरे घर जैसी तो नहीं लग रही। तू विवान के साथ कहीं बाहर आई है क्या? वो कहाँ है, बात करवाना। अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। रॉकी विवान के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और रावी ने इतना कुछ बोल दिया था। उसने धीरे से कहा, रावी, मैं रॉकी के साथ आई हूँ, ये कल जा रहा है तो मुझसे मिलना चाहता था। रावी को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल दिया था। वो बात को संभालती हुए बोली, अरे वाह, तुम दोनों मेरे बिना ही मजे कर रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। अदिति ने अपना फोन रॉकी की तरफ कर दिया। अब रावी रॉकी को देख पा रही थी। रॉकी ने उससे कहा, तू कैसी है और तूने सोच भी कैसे लिया कि हम तेरे बिना कुछ कर सकते हैं? तेरे बिना तो हमारी हर पार्टी अधूरी है। रावी ने हंसते हुए कहा, That is so sweet of you. पर सॉरी यार, मुझे अभी जाना पड़ेगा, आयुष और मैं कहीं बाहर जा रहे हैं। I'll call you guys later. इतना कहकर रावी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रॉकी ने पूछा, अदिति, ये विवान कौन है? अदिति और रॉकी होटल पैराडाइज में बैठे थे। उन्होंने रावी को वीडियो कॉल किया। रावी ने बातों ही बातों में विवान का जिक्र कर दिया था। रॉकी विवान को नहीं जानता था। रावी से बात होने के बाद रॉकी ने पूछा, अदिति, ये विवान कौन है? अदिति सोचने लगी कि वो रॉकी को क्या जवाब दे। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज नोटिफिकेशन आया। अदिति ने देखा रावी का मैसेज था। उसने लिखा था, I am sorry यार, मुझे नहीं पता था कि तू रॉकी के साथ है, इसलिए विवान का नाम ले लिया। तू उससे बोल दे कि विवान तेरा कोई फ्रेंड है, उसे तो वैसे भी कुछ पता नहीं है। अदिति भी यही सोच रही थी। उसने मैसेज पढ़कर मोबाइल को टेबल पर रखा। रॉकी अदिति के जवाब का वेट कर रहा था। अदिति को चुप देखकर उसने फिर से पूछा, क्या हुआ अदिति, बताओ ना, ये विवान कौन है? फिर वो थोड़ा रुका और सोचते हुए बोला, होल्ड ऑन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शायद वही है ना जो रावी की शादी में तुम्हारे साथ आया था, जो मुझ पर भी बेवजह गुस्सा हो गया था और जिसने कहा था कि अदिति मेरे साथ ही जाएगी। इज दिस द सेम गाय? अदिति ने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला दिया। रॉकी ने आगे कहा, पर ये बंदा है कौन, मतलब तुम्हारा कोई रिलेटिव है? अदिति ने धीरे से कहा, नहीं, वो मेरा फ्रेंड है। रॉकी सोचते हुए बोला, फ्रेंड है, पर तुमने इसके बारे में कभी भी जिक्र नहीं किया, कहीं वो हमारे साथ कॉलेज में तो नहीं था? तुम्हारे साथ जॉब करता है क्या, वो भी लॉयर है क्या? उसके बढ़ते सवालों से अदिति को अब थोड़ी चिढ़ हो रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, ये रॉकी भी ना, एक बार बोल तो दिया कि दोस्त है पर नहीं,
इसे तो बात की खाल निकालनी है। अब क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि वो मेरे साथ पढ़ता है या जॉब करता है, दोस्त है तो दोस्त है, बात खत्म। अदिति को यूं सोचता हुआ देख रॉकी ने उसके सामने चुटकी बजाई और बोला, हेलो कहाँ खो गई? मैंने कुछ पूछा है, जवाब तो दे। अच्छा चल ये बता कि तेरी तबीयत को क्या हुआ है। अदिति ने हैरानी से कहा, मेरी तबीयत को क्या होगा, वो तो बिल्कुल ठीक है। रॉकी ने कहा, अच्छा तो फिर रावी ने ऐसा क्यों पूछा कि तेरी तबीयत कैसी है, तुझे क्या हुआ था? रॉकी के सवालों से अब अदिति इरिटेट होने लगी थी। वो अपने एक्सीडेंट के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उसने बात को टालते हुए कहा, अरे वो तो उसने ऐसे ही पूछ लिया, कुछ खास बात नहीं है, बहुत दिनों के बाद बात हुई है ना इसीलिए। रॉकी ने सीरियस होते हुए कहा, देख अदिति मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कर, मैं जानता हूँ कोई बात तो जरूर है, वरना रावी ऐसा क्यों पूछती, और फिर उसने ये भी तो कहा कि उस विवान ने तेरा ध्यान रखा था, इस बात का क्या मतलब है? अब तू सच सच बताएगी तुझे हुआ क्या था? अदिति को अब रावी पर गुस्सा आ रहा था, बिना कुछ सोचे समझे वो इतना कुछ बोल गई थी और अब उसके लिए सारी बातों को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसने थोड़ा हल्के अंदाज में कहा, कुछ नहीं यार, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था बस। रॉकी ये सुनकर चौंक गया और बोला, क्या तेरा एक्सीडेंट हो गया था और तूने मुझे बताया भी नहीं? ये सब क्या है यार अदिति, उस रावी की बच्ची ने भी मुझे कुछ नहीं बताया, तुम लोग तो मुझे अपना दोस्त मानते ही नहीं हो, बस मैं ही हूँ जो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझता हूँ। रॉकी बहुत इमोशनल हो गया था, उसकी बातों से और उसके एक्सप्रेशन से साफ जाहिर था कि वो इस बात से बहुत हर्ट हुआ है। अदिति को उसे ऐसे देखकर बुरा लग रहा था, वो जानती थी कि रॉकी अपनी जगह पर गलत नहीं है, उसका गुस्सा होना जायज है, अगर उसकी जगह वो होती तो वो भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करती, पर सिचुएशन ही ऐसी थी कि वो रॉकी को कुछ नहीं बता सकती थी। अगर रॉकी को एक्सीडेंट के बारे में पता चलता तो उसे उसके प्रेग्नेंट होने और सरोगेसी के बारे में भी सब पता चल जाता, और फिर वो अदिति के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचता। बस इसीलिए उसने उसे कुछ नहीं बताया था, पर अब जबकि उसे पता चल गया था तो उसे कुछ तो कहना ही पड़ेगा, इसलिए अदिति ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है यार, तू सच में हमारा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा एक्सीडेंट हुआ तब इतना सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि तुझे कुछ बता पाते, वो तो रावी मेरे साथ थी इसलिए उसे भी पता चल गया, वरना शायद मैं उसे भी कुछ नहीं बताती, वैसे भी मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, छोटी मोटी चोट थी बस, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रॉकी ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, और ये विमान, इसे कैसे पता था तेरे एक्सीडेंट के बारे में, उसने तेरा ध्यान रखा, इस बात का क्या मतलब है? अब अदिति और झूठ नहीं बोलना चाहती थी, उसे बुरा लग रहा था इतने सारे झूठ बोलकर, वो तो रॉकी की तरफ देख भी नहीं पा रही थी, उसे अब डर लग रहा था क्योंकि अगर रॉकी ने इसी तरह सवाल करना जारी रखा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा, पर उसे सच कैसे बताऊं, ये सोचकर वो बोली, अरे वो मैं यहाँ अकेली थी ना तो वो मेरी हेल्प कर रहा था बस। रॉकी को अब गुस्सा आने लगा था, वो बोला, हेल्प? अरे तो अकेली थी तो मुझे भी तो कॉल कर सकती थी ना, क्या मैं तेरी हेल्प करने से मना कर देता? पर नहीं, तूने उससे हेल्प ली पर मुझसे नहीं, इसी से पता चलता है कि मैं तेरी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट हुआ देती, जो बुरे समय में सबसे पहले याद आता है ना वही हमारा सच्चा दोस्त होता है, क्योंकि जब हम तकलीफ में होते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि हमारा दोस्त हमारी प्रॉब्लम को दूर करेगा या कम से कम हमें सपोर्ट करेगा, और जब तू तकलीफ में थी तो तूने उस विवान को याद किया, मुझे नहीं, मैं क्या समझूं इसे, तूने तो मुझे अपनी मदद करने के लायक भी नहीं समझा यार। अदिति अवाक सी उसकी ओर देख रही थी, उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, उसने तो सोचा भी नहीं था कि रॉकी इतना टची हो सकता है। अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि वो रॉकी को कैसे समझाए कि उसने उसे क्यों इन्फॉर्म नहीं किया, वो गलत नहीं होकर भी गिल्टी फील कर रही थी। उसने धीरे से कहा, रॉकी देख तू सारी बातों को गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है, तू मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी की रावी है, तुम दोनों तो मेरे लाइफ के तो इम्पोर्टेंट पिलर्स हो यार, प्लीज मुझे गलत मत समझ यार, अच्छा अगर तुझे बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। रॉकी अपनी चेयर पर टिक गया और उसकी ओर देखकर बोला, डोंट बी सॉरी अदिति,
दोस्तों में सॉरी जैसी कोई चीज नहीं होती है। मुझे तेरी फिक्र है इसलिए मैं तुझसे ये सब कह रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तूने ऐसा क्यों किया। फिर वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देख अदिति, मुझे सब कुछ साफ साफ पता। विवान कौन है? तुम दोनों के बीच का कुछ, क्या तुम दोनों? ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बोलना चाहता था पर बोल नहीं पा रहा था। उसे सही शब्द नहीं मिल रहे थे या फिर उसका दिल ये बात बोलने से डर रहा था, इसलिए इतना कहकर वो चुप हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जो सोच रहा था उससे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसकी बातों को सुनकर अदिति भी सोचने लगी। मुझे लगता है अब इससे कुछ भी छुपाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे इसे विवान के बारे में बता देना चाहिए। आखिर ये भी तो मेरा दोस्त है। मैं इसे इतना तो बता ही सकती हूँ कि मैं विवान से प्यार करती हूँ। मुझे इस पर इतना भरोसा तो करना चाहिए। मेरा बेस्ट फ्रेंड होने के नाते इसे जानने का पूरा हक है कि मेरी लाइफ में कौन है। वो रॉकी को बताने के लिए बोलने ही वाली थी कि उसके पहले रॉकी ने फिर से पूछा, क्या हुआ? तू चुप क्यों है? बताना, तेरे और विवान के बीच क्या है? अदिति को उसे ये बताने में थोड़ी शर्म आ रही थी कि वो विवान से प्यार करती है। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, रॉकी, आई लव विवान एंड ही लव्स मी टू। मैं उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। ये सुनकर रॉकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मन ही मन प्रे कर रहा था कि जो कुछ भी उसने सुना वो गलत हो, अदिति उससे मजाक कर रही हो। लेकिन अदिति ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो तो आगे बोली, विवान बहुत अच्छा है रॉकी। उसने मेरी हर प्रॉब्लम में मेरा साथ दिया है और वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। सच में मैं बहुत ही लकी हूँ जो विवान जैसा लड़का मेरी लाइफ में आया। रॉकी से ये सब सुना नहीं जा रहा था। वो तो यहाँ अदिति से अपने प्यार का इजहार करने आया था। उसने सोचा था आज वो उसे अपने दिल की बात बता देगा और उसके हाँ कहने पर उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाएगा। उसने तो अपने घर पर भी अदिति के बारे में बता दिया था, पर यहाँ तो कहानी ही कुछ और थी। अदिति किसी और से प्यार करती है, ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसे तो लगता था कि अदिति इन सब बातों से दूर रहती है, इसलिए उसे इस बात का डर था कि वो उसकी बात पर कैसे रिएक्ट करेगी। कहीं उसे ज्यादा मनाना ना पड़े पर वो किसी और के साथ होगी, ये उसने सोचा ही नहीं था। उसका दिल बैठ गया था। उसकी आंखों से आंसू निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे पर उसने बहुत मुश्किल से अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया। वो अदिति को ये जाहिर नहीं होने दे सकता था कि उसके दिल में क्या चल रहा था। इससे उनकी दोस्ती खतरे में पड़ सकती थी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो जाते और वो अदिति के साथ अपनी दोस्ती को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता था। इस समय दोस्ती प्यार पर भारी थी। अदिति ने अपनी बात खत्म करके रॉकी के बोलने का वेट किया, पर जब उसने रॉकी को एकदम शॉक्ड देखा तो वो थोड़ी हैरान हो गई। फिर उसे लगा कि अचानक से ये बात सुनकर वो शॉक्ड हो गया है। उसने पूछा, क्या हुआ रॉकी, कहाँ खो गया तू? उसकी बात सुनकर रॉकी अपने ख्यालों से बाहर आया और मुस्कुराने की पूरी कोशिश करते हुए बोला, अरे अरे वाह, क्या क्या बात है? देख, इतनी बड़ी बात भी तूने मुझसे छुपाई। This is really not fair, यार। ऐसी कैसी दोस्ती है हमारी जहाँ तू हर बात मुझसे छुपाती है? अदिति ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, ये सब कुछ अभी-अभी तो हुआ है। उसके बाद तुझसे बात करने का मौका ही नहीं मिला तो बताती कैसे? रॉकी ने एक्साइटेड होने का नाटक करते हुए कहा, I am so happy for you। अच्छा, इस विवान के बारे में बता तो सही, आखिर हमारी अदिति ने उसे पसंद किया है तो जरूर कोई तो खास बात होगी उसमें। बता ना, कैसा है वो, क्या क्या करता है, क्या वो भी लॉयर है? अदिति ने हंसते हुए कहा, नहीं, उसका होटल बिजनेस है और ये होटल उसी का है और इसके अलावा टेस्ट एंड ट्रीट्स भी उसी का है। रॉकी ने जब ये सुना तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोला, एक मिनट, तू ये कहना चाहती है कि तू विवान मेहता से प्यार करती है? रमाशंकर मेहता के बेटे, मशहूर बिजनेसमैन, वो और तू एक साथ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है।
अदिति ने कहा। हाँ सही पहचाना, विवान का पूरा नाम विवान मेहता है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रॉकी ने कहा। तभी जब मैंने उसे रावी की शादी में देखा था तो मुझे उसका चेहरा बहुत जाना पहचाना सा लगा था, पर तब मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बट दिस इज ग्रेट यार। अच्छा ये सब कब और कैसे हुआ? तुम उसे मिली कहाँ? अदिति ने हंसते हुए कहा। बस समझ ले, हमारी किस्मत में हमें एक साथ मिलना लिखा हुआ था। अच्छा चल, अब मेरी बातें छोड़ और ये बता कि तू क्या बोल रहा था। रॉकी ने चौंकते हुए कहा। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था। अदिति ने हैरानी से कहा। अरे जब रावी का कॉल आया था तब तू कुछ बोल रहा था ना, तो अपनी बात तो पूरी कर। रॉकी बोला, नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ये बोल रहा था कि अगर तू चाहे तो मुझे ज्वाइन कर सकती है। मैं सोच रहा था कि हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं, बट अब मुझे नहीं लगता कि तू इंदौर छोड़कर कहीं और जाएगी। चल कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, तूने अपने लिए एक सही जीवन साथी चुना है। मैं हमेशा दुआ करूंगा कि तुम दोनों को दुनिया की सारी खुशियां मिले। चल अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रॉकी अचानक से खड़ा हो गया। अदिति ने पूछा, अरे इतनी जल्दी? अभी तो हमने कुछ खाया भी नहीं है। चल बता तू क्या खाएगा, बैठना यार, फिर कल तो तू चला जाएगा, फिर पता नहीं हम कब मिलेंगे। रॉकी ने कहा, नहीं यार सॉरी, पर मैं अब निकलूंगा। वो क्या है ना, कल जाना है ना, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है, सारी पैकिंग भी तो बाकी है। मैं तो बस उसे एक बार मिलना चाहता था, सो मिल लिया, अब चलता हूँ। इतना कहकर उसने बाय कहा और जल्दी से वहां से निकल गया। अदिति हैरान खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रॉकी को अचानक हो क्या गया था, वो ऐसे चला क्यों गया। पार्किंग तक पहुंचते पहुंचते रॉकी की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। आज उसने अदिति को हमेशा के लिए खो दिया था। उसने जब अदिति को पहली बार देखा था तब से वो उसे पसंद करने लगा था। इसी वजह से उसने उससे दोस्ती की, वो उसके करीब रहना चाहता था, उसका दिल जीतना चाहता था। और जब उनकी दोस्ती गहरी हो गई तो वो वेट करने लगा कि उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, फिर वो उसे अपने दिल की बात बता देगा। पर उसने अपने दिल की बात कहने में बहुत देर कर दी थी। उसका एक तरफा प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह गया था। रॉकी का दिल बुरी तरह से टूट गया था। उसने अपनी कार में बैठते हुए तय किया कि अब वो अदिति से कभी नहीं मिलेगा, और फिर अपने दिल में बहुत सारा दर्द समेटे वो वहां से चला गया। प्यार की कई अमर कहानियों की तरह आज एक और सच्चा प्यार अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया था।